नीट के बाद अब सीटेट में भी खेल का खुलासा हुआ है। सीटेट में 18 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी मुन्ना भाई दूसरे परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देने पहुंचे थे। दरभंगा से 12 फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पुरुष के अलावा महिला परीक्षार्थी भी शामिल हैं। ये सभी लोग 50,000 रुपए के लालच में नकली परीक्षार्थी बनकर परीक्षा दे रहे थे और इसी के साथ छपरा से भी 4 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। वहीं गोपालगंज में भी सीटेट में 2 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। अंगूठे के निशान और बायोमेट्रिक जांच में मिलान नहीं होने पर सभी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, जिसके बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और खबर दरभंगा से है, जहां सीटेट परीक्षा के दौरान 4 अलग अलग सेंटर से कुल 12 फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार किए गए। सभी फर्जी परीक्षार्थियों को केंद्र अधीक्षक ने पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जिला स्कूल से 2, एमएल एकेडमी से 2, एंजल पब्लिक हाई स्कूल से 2 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। सभी मुन्ना भाई परीक्षार्थी से 50,000 रुपए लेकर परीक्षा देने के लिए विभिन्न सेंटरों पर गए थे, जहां बायोमेट्रिक जांच के दौरान अंगूठे का निशान सही नहीं मिलने के बाद संदेह के आधार पर सभी से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने दूसरे के बदले परीक्षा देने की बात स्वीकार कर ली। एसएसपी ने थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि पकड़े गए सभी मुन्ना भाई और जिनके बदले परीक्षा दी जा रही थी, उन लोगों पर भी मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस अभी कुछ भी कहने से परहेज कर रही है और मामले की तहकीकात की जा रही है। दे रहे थे श्रवण कुमार मिले। ये कौन लगते हैं आपके यहाँ? तो फिर कैसे इनका एग्जाम दे रहे थे आप? कोई आदमी था उसके।